दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात के साथ मैं उर्मिलेश। आज हम दो मुद्दों पर बात करेंगे जो इस सप्ताह के सबसे बड़े मुद्दे हैं। पहला जो हमारा विषय है कि देश के कई राज्यों में मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा उग्र प्रदर्शन, और कई जगह प्रदर्शन में हिंसा भी हुई दोनों तरफ से, यानी प्रदर्शनकारी और पुलिस दोनों ओर से भिड़ंत हुई। झारखंड में बुलेट की इंजरी से एक व्यक्ति मारा भी गया, एक व्यक्ति के और मरने की सूचना है, अनेक लोग गिरफ्तार हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोग गिरफ्तार हैं। प्रदर्शन कई राज्यों में हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य है जहां उग्रता दिखाई गई वो बंगाल है, यूपी है और झारखंड है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र में भी प्रदर्शन हुए, बट आमतौर पर उन प्रदर्शनों में उतनी उग्रता या हिंसा नहीं हुई, कई जगह शांतिपूर्ण स्थितियां रहीं। ये वर्षों वर्षों के बाद ऐसा देखा गया है, बल्कि मैंने तो पहली बार देखा कि मुस्लिम समाज के लोगों ने एकल इकाई के तौर पे प्रोटेस्ट को अंजाम दिया इतने बड़े पैमाने पर। इसके पहले छोटे छोटे प्रदर्शन होते थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ऑल ऑफ सडन। इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि क्या ये हमारी राज्य मशीनरी की जो खुफिया शाखाएं हैं, क्या उनकी विफलता है? क्या उनको वाकई नहीं मालूम था कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देश के इतने सारे राज्यों में प्रदर्शन की तैयारी है, इंक्लूडिंग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में? क्या ये इंटेलिजेंस फेल्योर है? और अगर इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है तो क्या ये लापरवाही है प्रशासन की कि उग्रता और हिंसा को फैलने दिया गया, लोगों और पुलिस के बीच में टकराव होने दिया गया? क्या पहले इस चीज को रोका नहीं जा सकता था जगह रहते ही, समय रहते ही? एक बड़ा सवाल है। आमतौर पे इस बारे में कम टिप्पणियां की गई है। और दूसरी बात जो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में करना चाहता हूं कि क्या यह राजनीतिक रूप से एक वाजिब कदम था? क्या यह देश, समाज, आवाम के लिए किसी भी तरह से फायदेमंद था? दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के मैं कहूंगा कि भारत में अगर धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर, सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर, सिर्फ और सिर्फ संप्रदाय के आधार पर अगर कोई राजनीतिक प्रोटेस्ट होता है, अगर धर्म के राजनीतिक मंसूबे इतने बलशाली होकर उभरते हैं, तो हमने इतिहास से जो सबक लिया है और जो देखा है वो कभी भी किसी समाज के लिए फायदेमंद नहीं होता। अगर हिंदू अपने को कहने वाले लोग हिंदुत्व के नाम पर गोलबंद होते हैं तो वो हिंदू समाज का भला नहीं करते, भारत का भला नहीं करते। मुस्लिम समाज के लोग अगर सिर्फ मुस्लिम या इस्लाम के नाम पर एकजुट होते हैं भारत जैसे विविधता भरे देश में, तो वो न तो इस्लाम का या मुस्लिम धर्म को मानने वालों का भला करते हैं, न भारत का भला करते हैं, न अपने समाज का भला करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये देश, समाज और आवाम के लिए अच्छी बात नहीं रही, अच्छा कदम नहीं रहा, बल्कि ये नकारात्मक रहा। उत्पीड़ित समाजों को, उत्पीड़ित समुदायों को भारत में, भारतीय समाज में अगर प्रतिरोध करना है तो साझी समस्याएं हैं तो साझी लड़ाई भी होगी, और यह साझी लड़ाई लोकतांत्रिक स्वरूप के साथ ही हो सकती है। लोग शांतिपूर्ण धरना दे सकते थे, किसी मुद्दे पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते थे, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के बहुत सारे तरीके हो सकते थे, लेकिन मेरा कहना है कि साझी मुश्किलों, साझी समस्याओं के लिए साझी विरासत और साझी लड़ाई, साझा संघर्ष, यही रास्ता है। अरब देशों के जो प्रोटेस्ट का अपना तरीका था उन्होंने किया, लेकिन अरब मुल्कों से प्रभावित होकर अगर भारत का मुसलमान
अगर यहां धार्मिकता की लड़ाई इस तरह से लड़ेगा तो मैं समझता हूं कि इससे उसके धर्म का, उसके समाज का और आवाम का कहीं से भी कोई फायदा नहीं मिलने जा रहा है। इससे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर उग्रता का एक माहौल है इन दिनों, मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर एक जो गोलबंदी राजनीतिक तौर पे करने की कोशिश की जा रही है, संविधानेतर जो संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध है, जो लोकतंत्र के विरुद्ध है, मैं समझता हूं कि उसको बल मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं तो क्या इसलिए लोग खामोश रहे, क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग बिल्कुल खामोश रहे? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं। आपको संविधान अधिकार देता है, संविधान के आधार पर बहुत सारे कदम उठाए जा सकते हैं। जनसंघर्ष और जन आंदोलन के अपने तरीके हैं, और जैसा मैंने पहले कहा कि धर्म के राजनीतिक मंसूबे जहां जाहिर होते हैं वहां राजनीति पटरी से उतर जाती है, लोकतंत्र के सारे मूल्य ध्वस्त हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा बिल्कुल साफ मानना है कि भारत में लोकतांत्रिक तरीका ही वो तरीका, वो रास्ता है जिससे भारत का मुसलमान या माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई भी हिस्सा अपने वाजिब हकों की लड़ाई लड़ सकता है। दुनिया के किसी और मुल्क, दुनिया के किसी और इलाके के धर्मावलंबियों के आधार पर या उनके नक्शे कदम पर हम अपनी लड़ाई नहीं जीत सकते और न अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये बात आज हफ्ते की बात के इस एपिसोड में मैं एक टिप्पणी के तौर पे दर्ज करना चाहता था। हम बिल्कुल साफ कहते हैं कि लोकतांत्रिक ढंग से ही सब मिलजुल कर ही संविधान को बचाने, लोकतंत्र को बचाने, समता, भ्रातृत्व और स्वतंत्रता को अक्षुण रखने की लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। हमारे संविधान के प्रियम्बुल में समानता, भ्रातृत्व और स्वतंत्रता को सबसे महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया है। अगर आप इसकी लड़ाई लड़ते हैं, इसकी रक्षा की लड़ाई लड़ते हैं, तो कोई आपको अलोकतांत्रिक नहीं कह सकता। और दोस्तों, दूसरी जो हमारी खबर आज की है चर्चा के लिए, वो है राज्यसभा के चुनाव। राज्यसभा के चुनाव में दोस्तों 57 सीटों के चुनाव इस बार हुए। बहुत बड़ा चुनाव था ये राज्यसभा का द्विवार्षिक चुनाव, लेकिन 57 में सिर्फ 16 सीटें ही ऐसी थी जिन पर वाकई लड़ाई हुई। बाकी सीटों पर संख्या बल के हिसाब से विधानसभा में जो जहां जितनी स्थिति जिसकी थी वो चुनाव पहले ही संपन्न हो गया। लेकिन ये 16 जो सीटें हैं, खासकर महाराष्ट्र की 6 सीटें, कर्नाटक की 4 सीटें, राजस्थान की 4 सीटें, हरियाणा की 2 सीटें, इन पर जो कांटे की लड़ाई हुई, इसमें 3 सीटें महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को मिली। महाराष्ट्र में जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी का, 3 सीटें बीजेपी को मिली। कर्नाटक में जेडीएस हार गई, बाकी सीटें जिसको जितनी औकात थी, जितनी हैसियत थी, वो मिल गई। राजस्थान में बड़ी दिलचस्प लड़ाई हुई, क्योंकि राजस्थान में एक बहुत बड़े मीडिया घराने के मालिक, जो हो सकता है अब किसी पद पर ना हो उस मीडिया घराने में, लेकिन जिनका संचालन रहा है शुरू से आखिर तक अब तक, तो उनके वहां पर उम्मीदवार बनने से यह लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई थी। मैं सुभाष चंद्रा की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार के रूप में वहां चुनाव जीतने गए थे, यह सोचकर कि कांग्रेस से और निर्दलीय कुछ विधायकों को तोड़कर वो चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का भी यही कैलकुलेशन था, लेकिन राजस्थान के एमएलए ने उनको, उनकी सारी जो आशाएं थी उन पर पानी फेर दिया। वह बुरी तरह चुनाव हार गए। तो एक बड़े कारपोरेट का राजस्थान के मैदान में चुनाव हारना बहुत ही दिलचस्प है। और जिस तरह अशोक गहलोत ने मैनेज किया ये चुनाव, मुख्यमंत्री कांग्रेस के, उससे तो एक मुहावरा
बिल्कुल सही साबित होता है कि ओल्ड इज गोल्ड। बुजुर्ग एक वरिष्ठ नेता, बुजुर्ग नेता कांग्रेस के, देखने में बहुत नौजवान दिखते हैं लेकिन उम्र काफी ठीक ठाक है उनकी, बहुत वरिष्ठ है, लेकिन उन्होंने अपनी फुर्ती, अपनी स्मार्टनेस और अपनी रणनीतिक चाल से भारतीय जनता पार्टी और सुभाष चंद्र दोनों की जो दुर्भिसंधि थी उसको तार तार कर दिया और कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों को, तीनों बाहरी थे जबकि कांग्रेस ने बहुत बुरा फैसला किया था बाहरी लोगों को चुनाव लड़ाना, फिर भी उन्होंने चुनाव जिताकर दिखा दिया और उन्होंने साबित किया कि वो कांग्रेस के आज के इस दौर में भी जब कांग्रेस मुश्किलों में फंसी है वो उसके पक्के और कट्टर सिपाही हैं। तो ये चुनाव, ये रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी का चुनाव नहीं था, ये चुनाव दरअसल अशोक गहलोत का था जिसमें चुनाव में जीत दर्ज कराकर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पछाड़ दिया। और दूसरा जो चुनाव महाराष्ट्र का जो बहुत दिलचस्प रहा, वहां भारतीय जनता पार्टी ने शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के रहते हुए तीनों का जो गठबंधन था इसको शिकस्त दे दी। उन्होंने जो उनका एक उम्मीदवार धनंजय महादिक, जो उन्होंने अतिरिक्त एक उम्मीदवार खड़ा किया था, उसने मैनेज किया, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तरीके से मैनेज किया और आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए अतिरिक्त सीट पर उसने इलेक्शन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करवाया और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी गंभीर सवाल शिवसेना ने उठाए हैं, खासकर उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत ने। एक तो दो विधायक उसके पहले ही जेल में होने की वजह से कोर्ट के आदेश पर चुनाव में भाग नहीं ले सके और बाद में जो चुनाव हुआ उसमें दरअसल चुनाव में किसने किसको वोट दिया, दिखाकर वोट दिया नहीं दिया, इसको लेकर जो एक कंट्रोवर्सी हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी फायदे में रह गई। हरियाणा का चुनाव कुछ कम दिलचस्प नहीं रहा, जहां पार्टी के ऑफिशियल उम्मीदवार कांग्रेस के अजय माकन चुनाव हार गए और अतिरिक्त सीट पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ने वाले दूसरे मीडिया मालिक कार्तिकेय शर्मा ये चुनाव जीत गए। सुभाष चंद्र राजस्थान में हार गए, कार्तिकेय शर्मा जैसा युवा नया व्यक्ति राजनीति का वो चुनाव जीत गया। ये बड़ा दिलचस्प देखा गया और उस जीत में बताया जाता है कि कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस के विधायक हैं, भजन लाल जी के पुत्र हैं, दिवंगत भजन लाल के, उन्होंने फिर खेल किया और उनके वोट से एक तरह से कांग्रेस को गहरा धक्का लगा और ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया। तो राज्यसभा चुनाव में दोस्तों एक बात समझ में आती है कि इस चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें भी कुछ समस्याएं हैं, खासकर नियमावली में, और दूसरी बात कि इन दिनों राजनीति में ईमान का कोई महत्व शायद अब उतना नहीं रह गया है। बिल्कुल आखिर में हम एक कहानी सुनाकर अपनी बात खत्म करते हैं कि क्या हम वाकई पीछे जा रहे हैं, क्या हमारा अतीत आजादी के बाद का, आजादी के बाद जो भारत का एक दिखाई देता है राजनीतिक डेवलपमेंट, जो राजनीतिक चेतना, प्रतिबद्धता, क्या वाकई अब वो नहीं रह गई है, खत्म हो रही है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, हम पटरी से उतर रहे हैं। इस पर एक कहानी मैं सुनाता हूं गाजीपुर की। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 1953 में जिला परिषद का चुनाव हो रहा था, उसमें चुनाव जो लड़ रहे थे सज्जन, उनका नाम था कांग्रेस पार्टी से जिला अध्यक्ष के लिए जिला परिषद के, उनका नाम था बशीर हसन आब्दी, बहुत बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के थे और कांग्रेस का जमाना था, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। जो वोट करने वाले लोग थे उनमें ज्यादातर कांग्रेसी थे और दूसरी तरफ बब्बर राम नाम के एक कम्युनिस्ट नेता चुनाव लड़ रहे थे जिनके हारने की पूरी गुंजाइश थी, लेकिन बब्बर राम चुनाव जीत गए और बशीर हसन आब्दी चुनाव हार गए क्योंकि जनता में बब्बर राम की लोकप्रियता बहुत थी
और दिलचस्प बात यह है कि बशीर अहमद आबदी के दोनों नौजवान बेटे अपने पिता अपने अब्बा जान के खिलाफ खड़े हो गए चुनाव में। उन्होंने जमकर कंपेन किया पप्पर राम का, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार का। और जानते हैं ये कौन लोग थे दो बेटे? एक का नाम था राही मासूम रजा और दूसरे का नाम था मुनीश रजा। एक जो वाइस चांसलर शिक्षा शास्त्री के रूप में मशहूर थे मुनीश रजा, और राही मासूम रजा देश के महानतम उपन्यासकारों में से, कथाकारों में से एक रहे। आधा गांव उनका महानतम उपन्यास है। तो आधा गांव के लेखक राही मासूम रजा और मुनीश रजा की जो मैंने कहानी सुनाई कि कैसे अपने पिता के खिलाफ खड़े हो गए, कांग्रेसी पिता के खिलाफ, और कम्युनिस्ट पार्टी की जो ऑफिशियल लाइन थी, और वो चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र संगठन से एक जमाने में जुड़े हुए थे, दोनों ने पप्पर राम का समर्थन करके ये दिखाया कि वंश धर्म संप्रदाय गांव घर उतना महत्वपूर्ण उनके लिए नहीं है जितना महत्वपूर्ण विचार है। लेकिन आज के चुनाव को हम देखते हैं, आज की राजनीति को जब देखते हैं, तो लगता है कि सचमुच हम पीछे जा रहे हैं विचारों में, समझदारी में और ईमानदारी में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।